बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें और हर मुसीबत से बचाएं। आज मैं A1 पकवान चैनल की तरफ से आपके लिए लाई हूँ करेले गोश्त, जो बहुत मज़ेदार, टेस्टी और जूसी और खाने में लाजवाब। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको ये तरीका अच्छा लगा है या नहीं, और प्लीज़ रेसिपी को बना के फिर मुझे कमेंट्स में बताया करें। के साथ ही हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, करेले गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। तो इसके मैंने छिलके नहीं उतारे, इसको वैसे ही मैंने कटिंग कर लिया गोल गोल और नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया, और फिर अच्छे से धो लिया इसको मैंने। और हाफ के जी मैंने ये चिकन लिया, आधा किलो टमाटर लिए, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 3 ग्रीन चिली है तो इसको मैंने ये रफली कटिंग कर लिया, 1/2 किलो प्याज लिए तो इसको भी मैंने कटिंग कर लिया, और ये 1/2 कप दही है ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये 1 कप मैंने ऑयल लिया है तो इसको पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें हम करेले डाल के उसको फ्राई करेंगे। तरफ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया। अब हम इसमें डालेंगे अपना चिकन और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें शामिल करेंगे। चिकन हमने डाल दिया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे, 1/2 हमने इसमें प्याज डाले और 1/2 हमने रख देने, बाद में हम इसमें शामिल करेंगे। व्यूअर्स, 1/2 मैंने इसमें शामिल किए हैं और 1/2 में हमने रख लिए हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, वो भी हमने 1/2 इसमें डाले और 1/2 ही हमने इसमें रख देने। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, तो 1 चम्मच हमने रखा था पीस के। अब हमने ये जो 1/2 कप दही ली वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें है 1/2 चम्मच ये बारीक पीसी हुई रेड मिर्च हम शामिल इसमें करेंगे, 1/2 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी। फिर इसमें हम ये 1 गिलास पानी डाल देंगे। गोश्त को हम पहले अच्छे से इसमें पका लेंगे और फिर हम दूसरे इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो चिकन को हमने पकने के लिए अब छोड़ दिया, तो अब हम चलते हैं अपने ऑयल की तरफ, अभी गर्म हुआ है या नहीं। बस ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। सारे करेले हमने डाल दिए, अब हम इसको गोल्डन होने तक इसी तरह ही फ्राई करेंगे। तो अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं जो हमने पकने के लिए रखा हुआ है। व्यूअर्स, ये देखिए चिकन को थोड़ा सा ऑयल आ गया है, तो अब हम इसको ढाँप देंगे और इसको पकाएंगे जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। व्यूअर्स, ये देखिए जो हमारे करेले हैं फ्राई हो रहे हैं, देखिए इनका कलर कितना अच्छा है। आगे बस हमने थोड़ा सा इसको और गोल्डन करना है। आप इन्हें करेलों की साइड को चेंज करते रहना है, नहीं तो ये अगर आप साइड चेंज ना करोगे तो एक तरफ ये ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे और एक तरफ कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने इसको इसकी ना साइड को चेंज करते रहना है। अभी बस जो प्याज हमने बचाए थे वो हमने इसमें डाल देंगे करेलों में, और इनको भी हल्का सा हम गोल्डन करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बस 1-2 मिनट तक हम बस इसको भी हल्का सा प्याज को भी इसके साथ और गोल्डन करेंगे।
ये देखिए हमारे जो प्याज है वो हल्का हल्का सा उनका कलर जो है ब्राउन होना शुरू हो गया। तो अब हम उतनी देर तक अपने और चिकन को देख लेते हैं। व्यूअर्स देखिए अभी तक हमारा चिकन है वो टेंडर नहीं हुआ, तो अब हम इसमें ना कुछ मसाले और ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगा ज़ीरा 1 चम्मच, 1/2 चम्मच ब्लैक मिर्च। व्यूअर्स चिकन हमारा बिल्कुल गल गया है, तो अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1/2 मसाले ऐड किए थे, अब हम इसमें 1/2 और ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच इसमें रेड मिर्च आएगी, हाफ चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। ये हमारा जो है चिकन तैयार हो गया, अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो अब हम करेलों में अपना चिकन ऐड कर देते हैं। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी बस ये देखिए मैंने करेले और गोश्त को अच्छे से मिक्स कर दिया, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर और सब्ज मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस चीज पर आप नमक को ऐड कर लेना है, अगर कम हो तो फिर आपने और ऐड कर लेना है। इसको मैंने अब स्लो रखा है, तो इसको 1-2 मिनट के लिए हम नम पे रख देंगे ऊपर से ढक्कन देके। बस 1 से 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए, अब हम इसकी फाइनल लुक देखते हैं। ये है हमारे करेले गोश्त की फाइनल लुक, देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, ये बहुत जूसी और मज़ेदार बने हैं। तो आप प्लीज़ इनको बनाएं और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको तरीका अच्छा लगता है या नहीं। तो इतनी हम मेहनत करते हैं तो आप लोगों के लिए ही करते हैं, ताकि आपको तरीका अच्छा लगे, आपको ये कुछ चीज़ पसंद आए जो हमने बनाई है, तो प्लीज़ हमें बताया करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।